गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस टैगो चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत है। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर लेंगे और आज नेक्स्ट चैप्टर की स्टडी करेंगे, ठीक है। आई विल टेक द नेक्स्ट चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बाय विच द फूड मटेरियल इज ऑक्सीडाइज्ड। आफ्टर ऑक्सीडेशन एनर्जी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। वाटर इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द बॉडी एंड एनर्जी इज स्टोर्ड एज एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड इनटू द एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट, ठीक है। अर्थात हम ये कह रहे होते हैं कि जो श्वसन तंत्र होता है इसमें मुख्य रूप से भोजन का ऑक्सीडेशन होता है और भोजन की ऑक्सीकरण से ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निकाल दी जाती है और जो जल होता है या वाटर होता है यह शरीर में जीव द्रव्य की मात्रा को बढ़ाता रहता है, ठीक है। जीव द्रव्य में पानी की जितनी ज़्यादा मात्रा रहती है, प्रोटोप्लाज्म में वाटर की जितनी ज़्यादा अमाउंट रहेगी उतना ही हमारा जो शरीर है या बॉडी है उसके अंदर एक्टिवेशन रहता है। यदि प्रोटोप्लाज्म में वाटर की कमी हो जाती है तो निश्चित रूप से एक्टिवेशन या सक्रियता कम होती चली जाती है, और यदि एक निश्चित अमाउंट से प्रोटोप्लाज्म में पानी की कमी हो जाएगी तो फिर जो हमारा शरीर है वो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं रह पाता है और हम एक तरह से अनकॉन्शियस स्टेज में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं ये बताने की प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भी सजीव हो, कोई भी लिविंग हो, या तो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं या मानव की बात कर रहे होते हैं, मानव के अलावा भी कोई अगर सजीव है, कोई भी लिविंग है, तो उनमें जो होने वाली जैविक क्रियाएं होती हैं या जो वाइटल एक्टिविटीज होती हैं उनको रेगुलर करने के लिए उनमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की। अर्थात सजीवों के शरीर में जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और वह ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है फिर, या सजीवों को किससे प्राप्त होती है? खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। इसीलिए हम श्वसन को एक जैव रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। अर्थात जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन हो जाती है। अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे? जैव रासायनिक क्रिया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जीवित कोशिकाओं में भोजन की उपस्थिति होती है, उसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और वाटर, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जीवित कोशिकाओं में भोजन की उपस्थिति के कारण ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप वहां पर क्या बन जाता है? ऊर्जा। ऊर्जा रासायनिक रूप से एटीपी के रूप में संचित कर ली जाती है जिसे एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट कह देते हैं, तथा वाटर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अमाउंट को इंक्रीज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर निकाल दी जाती है? वायुमंडल में या पर्यावरण में, या हम कह सकते हैं कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आता है श्वसन। श्वसन को सिंपल वे में भी अगर आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो, श्वसन वह क्रिया होती है जिसमें शरीर के अंदर भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण के पश्चात जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा बनते हैं,
ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, CO2 को वायुमार्ग या अपन कह सकते हैं श्वसन मार्ग के द्वारा कहाँ पर निकाल दिया जाता है, वायुमंडल में, और इसके पश्चात जो जल होता है वो जीव द्रव की मात्रा को बढ़ाता रहता है, ठीक है ना। तो प्रोटोप्लाज्म में जितना वाटर रहेगा, वाटर की मात्रा जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही क्या होगा, शरीर एक्टिवेट बना रहता है, ठीक है। नहीं तो क्या होती है, शरीर में एक्टिवेशन नहीं रहती और एक स्थिति ऐसी होती है कि एक तरह से व्यक्ति अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है और वो जो काम करने की क्षमताएं हैं वो बिल्कुल एकदम से डिटोरिएट हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड चीज आती है श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकंड इज इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम बाह्य श्वसन कह रहे होते हैं और इंटरनल रेस्पिरेशन को हम कह रहे होते हैं आंतरिक श्वसन, या उसी का दूसरा नाम क्या होता है, कोशिकीय श्वसन, ठीक है। बाह्य श्वसन की परिभाषा क्या होती है, बाह्य श्वसन में जो प्राणी हैं अपनी कोशिकाओं के द्वारा वायुमंडल या पर्यावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। इससे संबंधित प्रक्रियाएं हैं क्या कहलाती होती है, वायु श्वसन, बाह्य श्वसन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें पर्यावरण तथा कोशिकाओं के मध्य O2 एवं CO2 के मध्य एक्सचेंज होता रहता है, अर्थात इसी को हम बाह्य श्वसन कह देते हैं। दूसरा इसका अगर नाम देना चाहो तो एक नाम और दिया जा सकता है, इसे हम वेंटिलेशन भी कह रहे होते हैं और ब्रीदिंग भी कह रहे होते हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है श्वास लेना, सांस लेना, और वेंटिलेशन का मतलब होता है संवातन। अर्थात यदि मैं आपसे कहूं कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटलेट ऑफ CO2 इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और वेंटिलेशन और ब्रीदिंग, ठीक है। तो ब्रीदिंग का मतलब एक सिंपल सा होता है, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और CO2 को बाहर निकालना, इस क्रिया को ही हम क्या कह रहे होते हैं, ब्रीदिंग कह रहे होते हैं। इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, बाह्य श्वसन कह रहे होते हैं, और इसी को हम एक नाम दे रहे होते हैं, वेंटिलेशन या संवातन। देखिए आपने देखा होगा अधिकतर जैसे हम लोग कई मकानों के अंदर होते हैं तो उसमें बहुत सारी खिड़कियां लगी रहती हैं और लोग कहते हैं कि भाई इसमें वेंटिलेशन अच्छा है। इसका मतलब क्या होगा, जब उसके अंदर विंडोज होंगी तो बाहर से एयर अंदर आएगी और अंदर से एयर बाहर जाएगी। बाहर से जो एयर आएगी उसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में रहेगा और अंदर वहां जो बैठे हुए हैं वो CO2 को क्या कर रहे हैं, एक्सपेल कर रहे होते हैं, आउटलेट कर रहे होते हैं, इसलिए वहां पर क्या होती है CO2, तो उन विंडोज के थ्रू CO2 बाहर जाती रहती है, O2 अंदर आती रहती है। इस क्रिया को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, वेंटिलेशन, या इसको कह रहे होते हैं संवातन। तो सीधी सी बात यह है कि वेंटिलेशन ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, या उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, ब्रीदिंग कह रहे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग में अंतर क्या है, देखिए रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, भोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि ब्रीदिंग में केवल एक प्रोसेस है। ये श्वसन की एक प्रारंभिक अवस्था हो सकती है जिसमें ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना क्या कहला रहा होता है, ब्रीदिंग, अर्थात इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटलेट ऑफ CO2 इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। इसी को आप चाहो तो ऑन द अदर हैंड यू कैन से दैट इज वेंटिलेशन, यही क्या होगा, संवातन होगा, ठीक है। इसीलिए आपने देखा है कि अधिकतर जब मकान लोग बनाते हैं तो उसमें वेंटिलेशन का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। अगर आप किसी रूम को एयर टाइट कर दें और बाहर से उसमें कोई भी वायु ना आए, एयर की पासिंग बाहर से ना हो, और उसको आप बंद करके बैठ जाइए, जब तक उसमें थोड़ी बहुत एयर ऑक्सीजन है तब तक तो आप सही रहेंगे, और आप वहां पर क्या कर रहे हैं, CO2 को, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ देर के बाद आपने देखा होगा वहां पर ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा है, अर्थात बहुत ज्यादा सफोकेशन हो जाता है। इसीलिए ये प्रयास किया जाता है कि जो फ्रेश एयर है वो हमको विंडोज के थ्रू या वेंटिलेशन के थ्रू मिलती रहे, ठीक है। दूसरा यहां पर दे रखा है इन्होंने
इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि प्राणी द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग, यूटिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और दूसरा वहां पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा एटीपी के उत्पादन से संबंधित जो क्रियाएं हैं या प्रोसेस है उसको हम कह रहे होते हैं इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन, अर्थात प्राणी के द्वारा ऑक्सीजन के उपयोग तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं एटीपी के उत्पादन से संबंधित प्रक्रियाएं क्या कहला रही होती हैं, आंतरिक श्वसन, या उसी को हम कह रहे होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन, ठीक है। अब देखिए कोशिकीय श्वसन भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम कह रहे होते हैं ऑक्सी श्वसन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को कह रहे होते हैं हम अनॉक्सी श्वसन। अर्थात जब कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सी श्वसन, क्या कहेंगे उसको, एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हेन द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना, क्या कहेंगे, एरोबिक या ऑक्सी श्वसन। और जबकि दूसरा मैंने क्या बताया, अनाक्षी या एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है जब कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तब इसे क्या बोला जाता है, अनाक्षी श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। व्हेन द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर मैंने इसको बता भी रखा है श्वसन की, अगर आपको डेफिनेशन बताना है तो देखिए यहां पर मैंने आपको लिखा हुआ है, अभी मैंने कहा भी था कि श्वसन क्या है, एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। जैव रासायनिक क्रिया का मतलब क्या है, जीवों में है और रासायनिक क्रिया उसमें केमिकल रिएक्शन के रूप में है, ठीक है। इसलिए हम क्या कह रहे होते हैं, श्वसन क्या होता है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें जीवित कोशिकाओं में, कौन सी कोशिकाओं में, जीवित, इसका मतलब है लिविंग सेल्स में उपस्थित भोजन के ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ऊर्जा CO2 एवं जल, ऊर्जा भी बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, वाटर, ठीक है, बनते हैं। इसमें जो एनर्जी होती है ये तो एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है, और जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है ये कहाँ पर चला जाता है, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, और जल क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म की मात्रा को, अमाउंट को इंक्रीज करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अर्थात श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जीवित कोशिकाओं में उपस्थित भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं, ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है तथा CO2 वायुमंडल में निकाल दी जाती है, जबकि जल जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा भी होगा कि प्रोटोप्लाज्म में लगभग 90% से ज्यादा वाटर होता है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद में देखिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार, मैंने कहा था रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकंड इज वन इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में मैंने कहा था कि प्राणी कोशिकाओं द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करने एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने, O2 को ग्रहण करने एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने से संबंधित जो प्रोसेस या क्रियाएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है, बाह्य श्वसन। इसमें पर्यावरण और किसके बीच में, कोशिकाओं के बीच में, एटमॉस्फेयर और सेल के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, अर्थात O2 और CO2 का एक्सचेंज होता रहता है, विनिमय होता रहता है। इसी को अगर हम चाहें तो गैसियस एक्सचेंज भी कह सकते हैं। इसी को मैंने कहा है सांस लेना या श्वास लेना जिसको ब्रीदिंग कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम संवातन जिसे हम वेंटिलेशन भी कह सकते हैं। इट मींस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कॉल्ड एज ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन,
ठीक है, आप इसको ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, वेंटिलेशन भी कह सकते हैं, और एक सिंपल प्रोसेस है ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना, क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है इंटरनल रेस्पिरेशन, या इसको हम दूसरा नाम दे रहे होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। इसमें मैंने बोला था प्राणी द्वारा ऑक्सीजन के उपयोग, यूटिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एवं ATP के प्रोडक्शन से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं इनको इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन कह दिया जाता है। और ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ठीक है, मैंने क्या बताया था, दो प्रकार का, एक तो ऑक्सी श्वसन बताया था जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे होते हैं, और एक अनाक्सी श्वसन बताया था जिसको क्या कहा जा रहा होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने कहा था कि जब कोशिकीय श्वसन O2 की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सी श्वसन। और दूसरा क्या बताया था, जब कोशिकीय श्वसन किसकी अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द एब्सेंस ऑफ O2, तब ये क्या बोला जाएगा, अनाक्सी श्वसन। अर्थात हम कह सकते हैं व्हेन द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा क्या बताओगे, व्हेन द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको क्या कह देंगे, अनाक्सी श्वसन कह देंगे। इसके पश्चात अपन देखेंगे मानव का श्वसन अंग एवं श्वसन तंत्र, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखिए मानव में पाए जाने वाला जो श्वसन अंग होते हैं और श्वसन तंत्र होता है काफ़ी विकसित होता है। ठीक है, मानव में गैसीय विनिमय के लिए जो पाए जाने वाले श्वसन अंग होते हैं और श्वसन तंत्र होता है ये बहुत अधिक विकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि मानव में जो श्वसन तंत्र है उसका निर्माण बाह्य नासा क्षेत्र, जिनको हम नॉस्टिल कह रहे होते हैं, नासा गुहा, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी कहाँ पर खुल जाती है, नेजोफेरिंग्स में, नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी कहाँ पर खुलती है, लैरिंग्स में, कंठ, और कंठ कहाँ पर खुल जाता है, ट्रैकिया में, श्वास नली, और वो कितने भागों में बढ़ जाती है, ब्रोंकाई श्वसनियों में, और फिर वो कहाँ पर चली जाती है, फेफड़ों में। अर्थात मानव में श्वसन तंत्र को बनाने वाले जो अंग होते हैं उनमें बाह्य नासा क्षेत्र, नासा गुहा, नासा ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी तथा फेफड़े होते हैं। ये सारे अंग मिलकर के मनुष्य या मानव में श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये कह रहे होते हैं कि जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, ये मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग होते हैं या मानव के मुख्य श्वसन अंग होते हैं, और शेष जो स्ट्रक्चर होते हैं, रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सब मिलकर के रेस्पिरेटरी पैसेज बनाते हैं या श्वसन मार्ग बनाते हैं। इसके साथ साथ फेफड़ों में या लंग्स में जो वायु कूपिकाएं पाई जाती है या एल्वियोलाई होती है या ईयर सैक्स होते हैं या ईयर चैम्बर्स होते हैं, वे श्वसन सतह का कार्य करते हैं। अर्थात हमारे जो फेफड़े होते हैं जहां पर CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है उन्हें हम वायु कूपिकाएं कहते हैं या एल्वियोलाई कह रहे होते हैं। वो एल्वियोलाई किसका काम कर रही होती है, रेस्पिरेटरी सरफेस का। अर्थात एल्वियोलाई एक्ट एज रेस्पिरेटरी सरफेस इन द लंग्स। अर्थात लंग्स में किसका काम करती है, वो श्वसन सतह का। वहीं से क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है या विनिमय होता है। ठीक है, इसके पश्चात जब हम आगे जा रहे होते हैं तो ये बताते हैं कि हमारे शरीर में या मानव में नासा छिद्रों की या नॉस्टिल की संख्या वन पेयर होती है, एक जोड़ी होते हैं, और ये जो श्वसन तंत्र है इन्हीं बाह्य छिद्रों के द्वारा खुलता है। नासा द्वार कहाँ पर खुल जाते हैं, नासा ग्रसनी में। नासा ग्रसनी कहाँ पर होती है, जो अंदर चैम्बर दिखाई दे रहे होते हैं, इनको हम नेजल कैविटी कह रहे होते हैं।
इन नेजल कैविटी में खुल जाती हैं, तो जो वायु है वो इन नॉस्टिल के द्वारा कहां पर प्रवेश करेगी, नेजल कैविटी में प्रवेश करेगी, नासा गुहा में प्रवेश करेगी। और जब नेजल कैविटी में प्रवेश करती है वायु या एयर, उस समय हमारे जो ये नॉस्टिल होते हैं, यहाँ पर पाए जाने वाले हेयर जिनको हम रोम कह रहे होते हैं, और अंदर की तरफ पाई जाने वाली सिलियम झिल्ली जो कि सर्पिल अस्थियों को ढके रहती है, ये सारे मिलकर के एयर को फिल्टर करते हैं अर्थात वायु को छानते हैं। अगर उस वायु के अंदर सूक्ष्म पार्टिकल भी होते हैं या कोई अन्य तरह के हानिकारक पार्टिकल्स भी होते हैं, उन्हें सिलेश्मा अपने साथ चिपका लेता है और वह सिलेश्मा उन सूक्ष्म कणों को आगे फेफड़ों तक या लंग्स तक नहीं जाने देता। ठीक है, इसके बाद हम ये कह रहे होते हैं कि जो नासा गुहा होती है उसी में जब एयर प्रवेश कर जाती है तो वो कैसी होती रहती है, अकॉर्डिंग सीजन। जैसे सपोज करिए अगर बहुत ज्यादा बाहर सर्दी है तो उस समय एयर कैसी आएगी, ठंडी, तो हमारे जो नासा कैविटी है या नासा गुहा है ये उसको कैसा कर देती है, वार्म कर देती है, गर्म कर देती है। और इस समय आपने देखा है मौसम बहुत ज्यादा गर्म है बाहर, तो एयर कैसी आएगी, गर्म आएगी, और गर्म एयर जाएगी वो लंग्स तक पहुंचेगी तो हानिकारक होगी, इसलिए हमारी नासा गुहाओं में सिलेश्मा के द्वारा उस एयर को बॉडी के टेम्परेचर पर ला दिया जाता है, अर्थात जो वायु होती है वो कैसी हो जाती है, नम हो जाती है। अर्थात नासा गुहाएं क्या करती हैं, जो प्रवेश करने वाली वायु है उसे गर्म और नम बनाती हैं अकॉर्डिंग सीजन या मौसम, जो भी वेदर होता है उसके हिसाब से। ठीक है, इसके बाद देखिए जो नासा मार्ग होता है, नेजल जो पैसेज है ये किससे बनता है, अस्थियों से बनता है। ऊपर से देखिए दो ये अस्थियां आ रही होती है लंबी, इनको हम नासा अस्थि कहते हैं या नेजल बॉन कह रहे होते हैं। इसके बाद जो इसका आधार वाला भाग होता है उसमें प्री मैग्जिला, फिर इसके बाद साइड में मैग्जिला, और अंत में यहाँ पर जहां ये नाक बंद हो रही होती है वहां पर एथेमॉइड अस्थि होती है। ये सारी अस्थियां मिल करके टर्वाइनल बॉन बना लेती हैं जिन्हें हम सर्पिला अस्थियां कह रहे होते हैं। इसलिए हमारी जो नेजल कैविटी है उसमें टर्वाइन जैसी दिखाई देती है, आपने देखा होगा गोलाकार या सर्पिलाकार अंदर की तरफ चैम्बर्स दिखाई दे रहे होते हैं, तो वो सर्पिलाकार बॉन्स के कारण बनते हैं जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, टर्वाइनल बॉन्स कह रहे होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो हमारी नासा गुहाएं होती हैं या नेजल कैविटी होती है ये इंटरनल नियर्स के द्वारा आंतरिक छिद्र के द्वारा कहां पर खुल जाएगी, नासा ग्रसनी में, और नासा ग्रसनी में जब वायु पहुंचती है तो नासा ग्रसनी उससे नीचे वाले भाग में जिसको हम कंठ ग्रसनी या लैरिंजोफैरिंक्स कह रहे होते हैं वहां पर पहुंचती है, और लैरिंजोफैरिंक्स कहां पर खुल जाएगी, कंठ में खुल जाएगी। कंठ किसको कह रहे होते हैं, लैरिंक्स को कह रहे होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर आप चाहो तो एक डायग्राम के द्वारा भी इसको पूरा समझा जा सकता है, या पहले उसको आप नोट के रूप में देखना चाहो तो उसको भी समझ सकते हैं। देखिए यहां पर एक मैंने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रखा है, और इस सिस्टम में आपने देखा होगा ये ऊपर लिखा हुआ एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का मतलब होता है, इसको हम कह रहे होते हैं या तो ये कैसा होता है, आच्छद होता है, या इसको हम चाहे तो घाटी ढापन कह सकते हैं। इसके अंदर ये एक ट्राई एंगुलर चैम्बर है, इसको हम नाम क्या दे रहे होते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स का मतलब होता है कंठ, और ये जो कंठ होता है इसके अंदर जो छिद्र है, गुहा तो हम लैरिंग्स कैविटी कह देंगे या लैरिंजियल कैविटी कह देंगे, लेकिन इसके अंदर जो छिद्र होगा उसको ग्लोटिस कहा जाता है। क्या कह रहे होते हैं, इसको ग्लोटिस कह देते हैं, और वो जो ग्लोटिस होता है उसको यहां से कहां से जोड़ दिया जाता है, इस ट्रेकिया से। ट्रेकिया का मतलब होता है ये श्वसन नाल। अब देखिए ये कंठ से श्वसन नाल नीचे की तरफ जा रही होती है, श्वसन नाल में ये बहुत सारे यहां पर ये प्लेट जैसी लगी हुई है, ये सारी सी आकार की होती है। कैसी शेप्ड, सी शेप्ड, इनको हम कह रहे होते हैं सी आकार की पट्टिकाएं, उपास्थि से बनी होती हैं, इनको हम उपास्थि छल्ले कहते हैं। ये इस नलिका को पिचकने से बचाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यही ट्रेकिया नीचे की तरफ दो भागों में बट जाती है, दोनों भाग ब्रोंकाई कहला रहे होते हैं, दोनों लंग्स में चले जाते हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में,
और लंग्स में प्रवेश करने के बाद भी ये लगातार विभाजित होती हुई अंत में किस में खुल जाती है, एल्वियोलाई में, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, वायुकोपिकाएं, जहां पर CO2 और O2 के बीच विनिमय होता है, या हम कह सकते हैं यहां पर गैसीय विनिमय होता है, इनकी बहुत सारी संख्या होती है। दोनों फेफड़ों में अगर देखें तो 60 करोड़ ये एल्वियोलाई या वायुकोपिकाएं पाई जाती हैं। कई बार पूछा जाता है कि हमारे फेफड़ों में उस स्थान का नाम बताइए जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, तो नाम किसका दे रहे होते हैं हम, वायुकोपिकाओं का, ठीक है। दोनों जो लंग्स होते हैं ये हार्ट के दोनों तरफ होते हैं, इसके नीचे एक मस्कुलर डायाफ्राम होता है, ये डायाफ्राम यहाँ डॉम शेप्ड होता है गुंबद के आकार का, जो वक्ष गुहा और कौन सी वाली गुहा को, उदर गुहा को, दोनों को पृथक कर रहा होता है, ठीक है। तो आप देखिए ये बहुत सारे अंग मिलकर के, मैंने सबसे पहले बताया कहां से शुरू करेंगे अपन, नॉस्टिल, नॉस्टिल किसमें खुल जाएगी, नासा गुहा में, नासा गुहा किसमें खुल जाएगी, नासा ग्रसनी में, नासा ग्रसनी कहां पर खुलेगी, कंठ ग्रसनी में, कंठ ग्रसनी कहां पर खुल जाएगी, कंठ में, कंठ किसमें खुलेगा, ट्रैकिया में, ट्रैकिया किसमें खुल जाएगा, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई किसमें खुल जाएंगे, फेफड़ों में। ये सारे जो अंग हैं मिलकर के किसको बना रहे होते हैं, श्वसन तंत्र को बना रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि वे सभी अंग जो श्वसन में या श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं, उस तंत्र को क्या बोला जाता है, श्वसन तंत्र बोला जाता है। क्या बोलेंगे उसको, श्वसन तंत्र कह देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे जो श्वसन अंग है वही मिलकर के किसको बना रहे हैं, श्वसन तंत्र को बना रहे होते हैं, ठीक। तो ये पूरा का पूरा श्वसन तंत्र का डायग्राम है, जिसमें ये बीच में हार्ट है, दोनों तरफ ये लंग्स लगे हुए हैं। अब देखिए इसको और अच्छी तरह से आप यहाँ नोट के रूप में समझ सकते हो। मैंने सबसे पहले ये बताया कि मानव में जो गैसीय विनिमय है, जिसको हम कह रहे होते हैं गैसियस एक्शंस, इसके लिए बेल डेवलप क्या पाए जा रहे होते हैं, श्वसन अंग होते हैं, साथ में श्वसन तंत्र होता है, ठीक है। मानव में बाह्य नासा छिद्र, मैंने अभी बताया था बाह्य नासा छिद्र का मतलब क्या होगा, ये नॉस्टिल्स, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, ये नतुने भी कह देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नासा गुहा, नासा गुहा के बाद में क्या आएगी, नासा ग्रसनी। नासा गुहा किसमें पाई जा रही होती है, नेजल के अंदर, नाक के अंदर जो चैम्बर्स हैं उनको ही हम क्या कह रहे होते हैं, नासा गुहा कह रहे होते हैं, ठीक है। क्या कह रहे होते हैं, नासा गुहा। इसके बाद में कंठ, कंठ के बाद में श्वास नली, जिसको ट्रैकिया मैंने अभी बताया था, ट्रैकिया के बाद में श्वसनी, जिनको अभी ब्रोंकाई बताया था। इसके बाद दोनों लंग्स, फेफड़े मिलकर के किसको बना रहे हैं, श्वसन तंत्र को बना रहे होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो लंग्स होते हैं ये मुख्य या मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन माने जाते हैं, लंग्स को क्या कह रहे होते हैं, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं या रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये रेस्पिरेटरी पैसेज बनाते हैं, जिसको हम श्वसन मार्ग कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला था कि फेफड़ों में उपस्थित जो वायुकोपिकाएं हैं, जो चैम्बर्स हैं, कोष्ठ हैं, इनको हम क्या कह रहे होते हैं, वायुकोपिकाएं। ये किसका काम कर रही होती है, रेस्पिरेटरी सर्फेस का। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो एल्वियोलाई है एक्ट एज रेस्पिरेटरी सरफेस इन द लंग्स, लंग्स में किसका काम करती है, श्वसन सतह का काम करती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि श्वसन सतह की विशेषता बताइए, तो श्वसन सतह कैसी होगी, बहुत ज्यादा पतली होती है, उसका जो क्या नाम है, सरफेस एरिया है ज्यादा होता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा गैसों को एक्सचेंज कर पाए। साथ में उसमें जो रुधिर वैसिन्स हैं, रुधिर वाहिकाएं बहुत अधिक संख्या में होती है, अर्थात रिच वास्कुलराइज होती है, ठीक है। और इसके बाद कैसी होगी, बहुत ज्यादा मॉइस्चर होती है, नम होती है। अगर ये इस सरफेस में ना हो तो ये सरफेस यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम नहीं आ सकती। इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि जो वायुकोपिकाएं होती हैं ये श्वसन सतह का कार्य कर रही होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नॉस्टिल हमारे अंदर कितने होंगे, वन पेयर होते हैं, जिनको हम नासा छिद्र या नासा द्वार कह रहे होते हैं। ये श्वसन तंत्र के वाय छिद्र के रूप में होते हैं, ठीक है। नासा द्वार के द्वारा वायु या एयर कहां पर जाएगी, नेजल कैविटी में प्रवेश कर जाएगी।
नेजल कैविटी में उपस्थित जो रूम होते हैं और जो श्लेष्मा झिल्ली होती है जिससे अस्थियां ढकी रहती हैं, शुक्लाकार अस्थियां, ये क्या करती है वायु को छानने का काम, अर्थात ये क्या करते हैं एयर को फिल्टर कर रहे होते हैं। और नासक गुहा में ही वायु कैसी बताई थी मैंने, गर्म या नम होती है। अगर मौसम बाहर बहुत गर्म है तो वायु कैसी होगी, नम होगी, मॉइस्ट कर दी जाएगी। और अगर बाहर बहुत अधिक सर्दी है तो ये हमारे बॉडी टेम्परेचर पर वापस क्या कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है। इसलिए नासा गुहा हमारे लिए यहाँ पर हेल्प कर रहे होते हैं। इसके बाद में श्लेष्मा वायु में उपस्थित जो सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं इनको क्या करता है, रोक लेता है, अपने अंदर फंसा लेता है, इस कारण इनको लंग्स में जाने से रोक दिया जाता है। इसके बाद जो नासा मार्ग है वो नासा मार्ग किससे बना होता है, मैंने बताया था ये ऊपर से दो लंबी बोन आ रही होती है जिनको नेजल बोन कह रहे होते हैं। इसके आधार में शुरुआत में प्री मैक्सिला होती है, फिर इसके बाद में मैक्सिला होती है जिनको जंबिगाएं कह रहे होते हैं। इसके बाद में इथेमॉइड होती है, ये एक तरह से देखा जाए तो इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। ये कैसी होती है, किप्री फॉर्म होती है, बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं जिससे यहाँ से और फैक्ट्री जो तंत्रिकाएं हैं या घ्राण तंत्रिकाएं वो कहाँ पर चली जाए, ब्रेन में चली जाए। इसलिए इथेमॉइड ये सब मिलकर के क्या करती है, अस्थियों को बना रही होती है, अस्थियों से बना होता है कौन, पूरा का पूरा नेजल पैसेज, ठीक है। इसके पश्चात नाशा हुआ अंतर्नाशा छिद्रों के द्वारा, अंदर अगर आप देखें तो जो नेजल कैविटी जा रही है वो भी दो छिद्रों के द्वारा कहां पर खुल जाती है, मुख गुहा के अंदर, और मुख गुहा में नहीं खुल करके मुख गुहा का आगे वाला जो भाग है वो नासा ग्रसनी कहलाता है, क्योंकि ग्रसनी में खुलता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रसनी किसका काम कर रही होती है, दोनों भाग कर रही होती है, श्वसन का भी और किसका, भोजन का भी। इसलिए आपने देखा है हम ग्रसनी को दोनों के लिए क्या कहते हैं, कोमल पैसेज बता रहे होते हैं। तो जहां पर अंतःनासा क्षेत्र खुलेंगे वो तो नासा ग्रसनी हो जाएगी, और ये नासा ग्रसनी में जब खुल जाते हैं तो जो एयर वहां पर पहुंच रही होती है ये एयर वहां से कहां पर चली जाती है, नासा ग्रसनी से नीचे की तरफ जो कंठ ग्रसनी लगी होती है उस कंठ ग्रसनी में चली जाती है, और कंठ ग्रसनी से ये कहां पर जा रही होती है, कंठ में जा रही होती है, किस में जा रही होती है, कंठ में।